हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग अभी पुणे में हैं और अभी न्यू ईयर्स का टाइम है, तो बहुत सोचने के बाद हम लोग ये प्लान किए हैं कि रोड ट्रिप पे जाएंगे। और जो प्लेस डिसाइड हुआ है वो है दापोली। पुणे से दापोली का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 190 किलोमीटर्स और पहुँचने में अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5 घंटे लग जाएंगे। बीच में हम लोग ब्रेक्स भी लेंगे, तो देखते हैं हम लोग कितना बजे तक पहुंचते हैं और रास्ते में क्या क्या करते हैं। घर से अराउंड हम लोग 7:30 बजे निकले और सबसे पहला ब्रेक हम लोग अन्ना रेस्टोरेंट के लिए लिए। यहाँ पे बेसिकली साउथ इंडियन डिशेस अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट एंजॉय किए एंड देन फिर दापोली के लिए निकल गए आगे। दापोली एक टाउन है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में और ये मुंबई से अराउंड 215 किलोमीटर साउथ के डिस्टेंस पे है। इस टाउन को हम लोग कैंप दापोली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल के टाइम पे ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे कैंप लगाया करते थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपको जल्दी से मिल जाए। दापोली बहुत सारे टेंपल्स एंड बीचेस के लिए फेमस है, जिसका डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यहाँ आने के लिए आप बाय रोड, रेल या एयर के थ्रू आ सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो पुणे या मुंबई का एयरपोर्ट है एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ खेद रेलवे स्टेशन, जो 29 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम दापोली। और अगर आप बस में आना चाहते हैं तो यहाँ का जो प्राइवेट बसेस का कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, तो आप वाया खेद आ सकते हैं। पुणे से दापोली जाने के लिए हम लोग गाड़ी रेंट पे लिए थे और जो बुकिंग किए थे वो था थ्रू रेफ, तो डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप वहीं से गाड़ी बुक करवा सकते हैं। इस जगह में हम लोग नए थे, तो इसीलिए मैप में जो रूट दे रहा था वही फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। पुणे से दापोली का टोल हम लोग को 115 रुपीस पड़ा। अभी दापोली का करंट टेम्परेचर दिखा रहा है 24 डिग्री सेल्सियस, तो मोस्टली वहाँ पे गर्मी उतना रहेगा नहीं, लेकिन कंफर्म टेम्परेचर हम आपको पहुँचने के बाद ही बताएंगे। और हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी में रुके हैं और कैसे बुकिंग किए हैं ये प्रॉपर्टी, सब जानने के लिए आपको मेरा इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अभी बज रहा है दोपहर का 2 और हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लग गया था, जिसके वजह से हम लोग को कोई भी रेस्टोरेंट जो भी मिला वहीं पे रुक के हम लोग ऑर्डर किए कोंकण थाली, जो ऐसा दिखता है। और लंच एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए अपने रिजॉर्ट के तरफ।
फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव हम लोग पहुँच गए अपना प्रॉपर्टी जिसका नाम ब्लू ब्रीज है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हाउसेस मिलेंगे जो इधर एयरबीएनबी पे है या तो लोग इसे फार्म हाउस के तौर पे यूज़ करते हैं, और ये सब डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बुक कर सकते हैं वहीं से। ये है हम लोग का प्रॉपर्टी, और एंटर करते साथ आपको ये हॉल रूम मिलेगा जहाँ पे सोफ़ा, टीवी एंड डाइनिंग टेबल है, और ये एक रूम है। एंटर करते साथ आपको ये एक वॉशरूम मिलेगा जो नॉर्मल सा है, डिसेंट सा है, और फिर आपको बेडरूम एक्सेस मिलेगा। तो यहाँ से जो बेस्ट जो मेरे को लगा इस रूम का इज़ द व्यू फ्रॉम द रूम टू द बीच, जो बहुत ही अमेजिंग है। आप रूम में बैठ के सनराइज सनसेट एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू दे रहा है यहाँ से। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं किचन एरिया जहाँ पे आपको एक फ्रिज मिलेगा एंड 2 बॉटल पानी दिया गया है। अगर आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा पानी ऑर्डर कर सकते हैं। आप यहाँ पे खाना नहीं बना सकते, अगर आप चाहो तो बाहर से खाना ला के आप गर्म करके खा सकते हैं। प्लेट्स, यूटेंसिल्स सब दिया गया है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के तरफ जहाँ पे आपको सिमिलर रूम मिलेगा, और इसका भी स्ट्रक्चर सेम है जो नीचे में आपको रूम में जो दिखाए हैं। ये फर्स्ट जो आप एंटर करो रूम में तो आपको वॉशरूम मिलेगा एंड देन आपको एक्सेस मिलेगा बेडरूम के तरफ। यहाँ से भी व्यू बहुत ही सुंदर है। अब चलिए टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो बहुत ही सुंदर व्यू देता है, इज़ द स्विमिंग पूल एरिया। तो ये फर्स्ट फ्लोर से हम लोग अभी स्टेयर्स के थ्रू जा रहे हैं स्विमिंग पूल एरिया, और यहाँ से कुछ स्विमिंग पूल ऐसा दिखता है। एंड यहाँ से आप व्यू देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ से आप आराम से सनसेट या सनराइज़ जो भी है बहुत अच्छे से आप इन्जॉय कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वहां से बुक कर सकते हैं। आज का दिन बस इतना सा ही था। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।